की सब है धोखा धोखा, एक ही रंग दोनों में साझा, तू ही हीर है तू ही रांझा, तू ही पगड़ी तू ही चुनर, तू ही दरिया तू ही गागर, कल सच्चाई और अच्छाई की इस मुहिम की शुरुआत की सुरों के महागुरु जगजीत सिंह जी ने। धन्यवाद तो मैं प्रज्ञा चैनल का करूंगा, उनके माध्यम से इस तरह के भजन इस तरह के गीत संगीत प्रेमियों को सुनाए सुनाने के काबिल हुए। वहीं तन्मोय के प्रेम के रंगों ने मन मोह लिया जगजीत जी का। बहुत अच्छा लगा, ओरिजिनल से अच्छा लगा। याद पिया की कल रहमान के सुरों ने वो जलवा बिखेरा कि वो पहुंच गए तन्मोय के साथ सुरक्षा सेतु पर। आज तन्मोय और रहमान को मिला है मौका हिंदुस्तान के लोक संगीत और सूफी संगीत के दिग्गज श्री हंसराज हंस जी के साथ मोहरंग दे की शुरुआत करने का।
जब सुर में, संगीत में, भक्ति में उस्ताद किसी का संग दे, तब धरती गगन झूम के बोले, आजा मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम, वेलकम। आपकी उपस्थिति और हमारे गुरुजनों के गुरु माननीय श्री जगजीत सिंह जी की उपस्थिति इस मंच के लिए बहुत बहुत अहम है। कहते हैं कि उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला लिया, तेरी नज़र की वो कशिश हुई कि जमाने भर को झुका लिया, तेरा इश्क मेरा सरूर है, मेरी बंदगी भी तो अजीब है, जहां यार ने कदम दिए वहां मैंने काबा बना लिया। वही रंग दे के इस बुधवार की शाम में मैं रेणुका शाणे आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। प्रज्ञा चैनल पर ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है मोहे रंग दे, इसमें ऐसे ही युवा कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अच्छी सोच रखते हैं, बहुत अच्छा संगीत की साधना करते हैं और इसीलिए इतने महान गुरुजनों के साथ ये मंच शेयर कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन तन्मय एंड रहमान। आज है बुधवार की शाम, सोमवार और मंगलवार के दिन आपने देखा 6 और 5 कंटेस्टेंट्स ने अपने अपने गाने पेश किए, जिनमें से 2-2 चुने गए सुरक्षा सेतु के लिए, यानी बिल्कुल सुरक्षित अगले हफ्ते के लिए। आज जो बचे हुए 7 हैं वो अपने गाने आपके सामने पेश करेंगे, जिनमें से अंत में 2 चुने जाएंगे सर्वश्रेष्ठ सिंगर्स, यानी कि बिल्कुल सुरक्षित होंगे अगले हफ्ते के लिए, पहुँच जाएंगे सुरक्षा सेतु पर, और फिर जो बचे हुए सिंगर्स हैं उनको कल फिर एक बार मौका मिलेगा आपके सामने गाना गाने का। और अंत में अनफॉर्चुनेटली इस फॉर्मेट के हिसाब से हमसे किसी को एक को लेना होगा विदा, लेकिन उस सबसे पहले आज की शाम की शुरुआत इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत तरीके से हुई है, तो मैं बुलाना चाहूँगी अपने पहले कंटेस्टेंट को। उनके संगीत में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि हम सब मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। प्लीज़ वेलकम रवि। बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि। थैंक यू, धन्यवाद। पिछला जो बुधवार था वो आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ था। हाँ? क्योंकि आप बुधवार के दिन ही पिछले हफ्ते सर्वश्रेष्ठ सिंगर घोषित हो गए थे। हाँ जी। और आपको मौका मिले था खास अतिथि उस्ताद गुलाम अली साहब के साथ गाना गाने का, है ना? हाँ। तो आज भी बुधवार है, तो कोई खास तैयारी है? तैयारी तो है, अब सब करता धरता वही उन्हीं के ऊपर है। क्या बात है, ऑल द वेरी बेस्ट रवि। थैंक यू। मैं तेरे बिना कोमली होई, मैं तेरे बिना कोमली होई, तू दर्श दिखा दे दाती है, तू दर्श दिखा दे दाती है, मैं तेरे बिना कोमली होई, मैं तेरे बिना कोमली हो। गुरुजनों से कैसा लगा उन्हें? बड़ा अजीबोगरीब कंपोजिशन था ये, अच्छा मुश्किल था, अच्छा है, बहुत अच्छा गा, अच्छा निभाया आपने। थैंक यू सर। कंपोजिशन वाकई वो होनी चाहिए, उसमें
दोस्त सुर होने चाहिए, सुर वो हो जो सुरों की आपस में बनती ज़रूर हो। लेकिन आपकी हिम्मत है बाबा, बहुत हिम्मतवर बच्चा है ये, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, बहुत बाकमाल सिंगर बनेंगे आप इंशाल्लाह। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। इस संध्या के पहले कंटेस्टेंट रवि ने बहुत अच्छे तरीके से अपने गाने को संभाला, निभाया। इसी तरह से सुरों की होली हम आगे खेलते रहेंगे और संगीत के जरिए खुशहाली के हर रंग आपकी ज़िंदगी में भरते रहेंगे, यही कोशिश इस मंच की है, यही कोशिश जारी रहेगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौट आएंगे, रंगेगा ये समा फिर एक बार जब लौटेगा मोहे रंग दे। मोहे रंग दे में मैं रेणुका शाणे आप सबका तहे दिल से एक बार फिर स्वागत करती हूँ। खुशहाली, अमन, सद्भावना, प्रेरणा, प्रेम, सच्चाई और अच्छाई को संगीत में पिरोकर हम ये शाम आगे बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कंटेस्टेंट की तरफ। प्लीज वेलकम अदिति शर्मा। अदिति वेलकम। आज क्या सोचा है आपने, क्या पेश करना चाह रही हैं आज? शो का नाम है मोहे रंग दे, तो आज होली खेलते हैं। अरे वाह, यही तो हम चाहते हैं कि हर रंग की होली खेली जाए, जीवन के हर रंग की भी होली खेली जाए। बहुत ही एक फिलोसॉफिकल भजन है। अच्छा, कैसी होरी मचाई कन्हाई। बहुत बढ़िया बात अदिति, और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। Yeah.
एकदम ऐसा लगा जैसे मेडिटेशन से शुरू हुआ और फिर एकदम जुनूनी रंग ले लिया. वाह, बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. गुरुजनों से पूछते हैं. बहुत अच्छा ट्रेडिशनल रंग काफ़ी अरसे का बात सुन रहा हूँ. बचपन में मैंने भी सीखी थी इसी सेम ऑलमोस्ट सेम टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन है. बजाइए जरा दीपचंद दीपक से. या ब्रज में हरि होरी होरी मचाए, या ब्रज में हरि होरी हरि होरी मचाए, हरि होरी मचाए, नंद घर बटत मिठाई. क्या पुराना रंग है, कितना इसमें आनंद है रंग में, पूरा रंग भर जाता है. वाह वाह वाह, बहुत आपने नॉस्टैल्जिया हमें याद दिलवा दिया आज. और अदिति बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. हाँ जी बिल्कुल. बहुत अच्छा, बहुत खूब. थैंक यू. धन्यवाद. ये चाहते हैं आपसे कि ऐसा गाना गाएं इनका भी दिल कर जाए गाने को. आपको यही इससे बड़ी दाद क्या हो सकती है कि आपने क्या गाया होगा कि इन्होंने गाया है. और परफेक्ट सुर लगाए, बहुत फीलिंग से गाया कंपोजिशन माशाल्लाह. क्योंकि द्रौपदी कराना है, लय का भी समझ है इनके. द्रौपदियों को लय का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा. हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही गाओ, हमेशा ऐसे गाओ. बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. इनके लिए जरा भर के तालियां. इस संध्या को आगे भी बढ़ाना है तो मैं बुलाती हूँ अपने तीसरे कंटेस्टेंट को. बहुत ही खुश मिजाज हैं वो, लेकिन संगीत के मामले में बहुत ही सीरियस. बहुत अच्छे गायक. गुरुजनों ने बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी, उनको आशीर्वाद दिए. प्लीज़ वेलकम नानू गुर्जर. आज अचानक ये बदला बदला सा रूप. आज मैं गुरु नानक जी की बाणी गाना चाहूँगा, इसलिए ये लिबास. हमने सोचा तुम भेस बदल के आए हो ताकि पहचाने नहीं तुम. नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए. नहीं नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट नानू. आई एम श्योर कि आपने चुनाव ही इतना अच्छा किया है तो संगीत तो कमाल होगा जी. बिल्कुल, पूरी कोशिश करूँगा. साधो मन का सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु. 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 बाबा नानक दुखी याद नाथ वे रहे सर पे मेरा. बाबा नानक दुखी याद नाथ में.
बात है मैम, बहुत अंतर्मुख होके आपने गाया है ना। बस छोटी सी कोशिश थी, लेकिन जो चाहा था वो फिर भी तसल्ली नहीं मिली मुझे। नहीं मिली, पर ये एक खरे आर्टिस्ट की पहचान है कि कभी अपने जो भी कला आप पेश करते हो उससे संतुष्ट ना हो, तभी तो आप ग्रो करोगे। जी बिल्कुल, कोशिश कर रहा हूँ। पूछते हैं गुरुजनों से, उनको क्या महसूस हुआ। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, तुमको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि गुरबाणी जब गाई जाती है तो उसको पूरा भजन गाया जाता है जी। कोई भी आप भजन कर, आपने पहला भी पूरा नहीं गाया और बीच में जो आपने गाया वो गुरबाणी नहीं है, वो कच्ची वाणी है, वो किसी का लिखा हुआ है। तो कोई भी एक जो भजन लोगे उसको पूरा करना है पड़ता है जी। तो नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना जी। पक्का। बस यही है कि जो कलाम गाना है जिस बुजुर्ग का, जिस ये तो गुरु जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी का है, तो थोड़ा पूछ लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सुर के हवाले से बहुत बहुत फीलिंग से आपने गाया और सुर बहुत परफेक्ट थे, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अब तक तीन सिंगर्स अपने अपने गाने पेश कर चुके हैं, रह गए हैं चार जो इंतजार कर रहे हैं अपने गाने पेश करने का। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहती हूँ। कल गुरुवार का दिन है, हमारे इस मंच पर आने वाली हैं एक बहुत ही खास अतिथि, है ना कमाल की बात। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मैं बताऊँगी वो खास अतिथि कौन है। फिर रंगेगा ये समा जब लौट आएगा मोहे रंगदे। मोहे रंगदे की सुरीली शाम में मैं रेणुका शाह ने आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। अब जो चार कंटेस्टेंट्स बाकी रह गए हैं वो अपने अपने गाने आपके सामने पेश करेंगे। अब जो कंटेस्टेंट आपके सामने आ रहे हैं उनकी आवाज़ में कमाल की सादगी है और उनकी पर्सनैलिटी में भी। प्लीज़ वेलकम धनंजय। वेलकम धनंजय, आपका पहरावा मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या चूज किया है आज पेश करने के लिए? भजन है कबीरदास जी का। बचपन से आप बहुत डिवोशनल म्यूजिक की तरफ आकर्षित हुए हैं? जी, फैमिली में ऐसा माहौल था क्योंकि रोज शाम को पूजा होती थी और हम सब भजन गाते थे। क्या बात है। तो वो संस्कार समझ लीजिए या आदत समझ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट धनंजय, आई एम श्योर कि आपका भजन बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, पर तूने कब हूँ न कृष्ण कहो रे। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, पर तूने कब हूँ न कृष्ण कहो रे। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। बरस का भोला भाला, पांच बरस का भोला भाला, अब तो बीस भयो, अब तो बीस भयो, मगर पच्चीस माया कारण, मगर पच्चीस देश विदेश
और तूने कब हो न कृष्ण कहो रे जन्म तेरा बातों ही बीत गयो पर तूने कब हो न कृष्ण कहो। क्या बात है बनेंगे आप जब गाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सारा माहौल आप भूल जाते हैं और सिर्फ उसमें विलीन हो जाते हैं। जी भजन की गायकी का तो यही आलम होना चाहिए कि हम भूल जाएं। जी चलिए हम गुरुजनों से पूछते हैं उनका क्या कहना था इस भजन के बारे में। ये वाकई बहुत फकीर तबीयत बंदा है, खो जाते हैं, बहुत अच्छा सुर की तलाश में भी रहते हैं, लफ्ज़ों की इज्जत करते हैं। ये वाकई कबीर संत कबीर का है भजन जी। बहुत अच्छा गाया आपने। क्या राग में इसकी कंपोजिशन थी? यमन। यमन ने? हाँ। आपने खुद कंपोजिशन की? नहीं सर, ये कंपोजिशन प्राइवेट एल्बम की है। क्योंकि कबीर की लैंग्वेज लगती नहीं है मुझे, और कबीर कभी अपने भजन में ये नहीं बोलेगा तूने कृष्ण का नाम नहीं लिया, समझे ना आप? तो ज़रा रिसर्च करना है ये कबीर का है या नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं धनंजय। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कल जो खास अतिथि हमारे मंच की शोभा बढ़ाएंगे उनका नाम मैं बताऊंगी। मैं भूली नहीं हूँ, मैं अब बताने जा रही हूँ वो हस्ती, वो महान गायिका जो कल हमारे साथ होंगी। पंजाबी सूफी भजन गायकी में बिल्कुल दिग्गज गायिका, उनकी जोशपूर्ण गायकी के लिए वो जानी जाती हैं और फिल्मी संगीत में भी उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जसपिंदर नरुला जी, वी आर वेरी वेरी प्राउड कि कल वो हमारे मंच पर होंगी और जो आज के दो सिंगर्स घोषित होंगे सर्वश्रेष्ठ यानी जाएंगे सुरक्षा सेतु पर, वो ऑब्वियसली उनको मौका मिलेगा उनके साथ कल गाना गाने का, है ना बढ़िया बात। इस खुशखबरी के साथ मैं संध्या को आगे बढ़ाती हूँ, बुलाती हूँ अपने अगले कंटेस्टेंट को जिनकी आवाज़ में बहुत मिठास है। प्लीज वेलकम जया पीयूष। जया, जब भी आप इस मंच पर आती हैं आप बहुत मिठास के साथ ना सिर्फ गाती हैं लेकिन बातें भी करती हैं और जो भी सलाहें नसीहत आपको मिलती है बहुत स्पोर्टिंगली आप लेती हैं, तो ये आपको हुनर कहाँ से मिला? ये हुनर जो है ये मुझे अपने पिता से मिला है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगी उतना ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ पाएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आप यू शुड बी डाउन टू अर्थ। क्या बात है, एंड यू आर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। खबर मोरी ना
सुकून मिला ये भजन सुनकर. जानते हैं गुरुजनों से उनको क्या लगा. आई एम श्योर कि आप खरी उतरी हो उनकी कसौटी पर. नहीं, बहुत अच्छा गाया, सिलेक्शन बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है और अच्छा निभाया. माननीय हंसराज हंस जी, बहुत ही खूबसूरत शिवरंजनी का रचाव आपने किया, बहुत ही खूबसूरत. लता जी ने तो जो गा दिया वो अमर हो गया. उनका गाया हुआ कोई बाद में गुलकार गाए, आर्टिस्ट गाए और उसका भी मज़ा आ जाए तो फिर तो पूरे के पूरे नंबर है आपके. बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी मच. क्या बात है जी, ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत अच्छा गाया आपने. थैंक यू. इस संध्या का बहुत अच्छा माहौल बना है, सारे कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छा गा रहे हैं और आप तक खुशहाली पहुंचा रहे हैं जो इस मंच का हमारा मकसद है. अब तक 5 सिंगर्स अपने अपने गाने पेश कर चुके हैं. इस ब्रेक के बाद रह जाते हैं 2 सिंगर्स जो अपने गाने पेश करेंगे और फिर हमें पता चलेगा उन 2 सिंगर्स का नाम जो पहुँच गए हैं सुरक्षा सेतु पर. ये सब इस ब्रेक के बाद. जल्द लौट आएंगे, फिर रंगेगा ये समा जब हम लौटेंगे विद मोहे रंग. पानी में मीन प्यासी. कमाल कर दिया, बहुत अच्छा. मोहे रंग दे के बुधवार की शाम का निर्णय मेरे हाथ में है. चलिए, आपकी जो बेताबी है वो मैं कम कर देती हूँ. वेलकम बैक टू मोहे रंग दे. मैं रेणुका शाने एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ. खुशहाली, सच्चाई, अच्छाई, प्रेरणा, प्रेम को संगीत में पिरोकर ये शाम को आगे बढ़ाते हैं. 2 सिंगर्स रह गए हैं जो अपने गाने आपके सामने पेश करेंगे और हमारा ये वादा है कि कल की शाम हमारी जो खास अतिथि हैं जसपिंदर निरुला जी, वो इस मंच की शोभा बढ़ाएंगी. लेकिन अब मैं जिस कंटेस्टेंट को बुलाने जा रही हूँ, बहुत बहुत गुरु भक्त, संगीत के प्रति पूर्ण समर्पित, ऐसे हैं हमारे ये कंटेस्टेंट. प्लीज़ वेलकम रणदीप भास्कर. आज आपने क्या चुनाव किया है पेश करने के लिए? आज एक तरह की गुस्ताखी मैं बोलूँगा, क्योंकि जो भजन मैं गाने वाला हूँ वो हमारे गुरुजी जगजीत सिंह जी का ही गाया हुआ है. ओहो. तो ये अपने आप में तो एक बहुत बड़ी बात है, उनके ही सामने उनका गाया हुआ, तो इसलिए बहुत टेंस्ड भी हूँ. पता नहीं क्या होने वाला है. उसी भक्ति के साथ फिर आप भजन पेश करिएगा, है ना? जी जी. ऑल द वेरी बेस्ट रणदीप. थैंक यू.
छुरा क्या कासी रे पानी में मिल प्यासी रे पानी में मिल प्यासी रे पानी में मिल प्यासी चारू किसी माय फेवरेट कंपोजिशन और मेरा फेवरेट भजन भी है। क्या बात है सर, इतनी ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। नाम इनका गजल गायकी के लिए अव्वल है और एक ही हैं अपने मुल्क में। ये शुक्र है कि ताजमहल भी एक है और ये भी एक क्या बात है। ऐसी गुस्ताखी बार बार किया करो, कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, वेल डन रणदीप सच में। लेकिन ये सभी जो आपने जो भी गाया है इस मंच पर उस सब में ये मेरा भी फेवरेट रहा, सच में बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रणदीप, थैंक यू। अब मैं जिस कंटेस्टेंट को बुलाना चाहती हूँ उनके ख्यालों में, उनके विचारों में, उनके रख रखाव में, उठने बैठने में और संगीत पेश करने में, सब में अदब झलकती है। प्लीज़ वेलकम रक्तिमा। हाय रक्तिमा। हेलो। कैसा महसूस कर रही हो आज? स्कूल। आज माँ आई नहीं है स्टूडियो में? नहीं, आज तो नहीं आई है, इसीलिए मैं ऐसा कुछ पेश करने वाली हूँ जो कि माँ को समर्पित किया गया है और जगत की सारी माँ एक ही जैसी भावना रखते हैं हम सारे बच्चे उनके लिए। बिल्कुल सही बात तो, है। इट्स द सेम फीलिंग दैट आई एम गोना सिंग फॉर हर। जीवन बना दुखदाई है, मन पर निराशा छाई है, जीवन
क्या बात है, बहुत सुकून मिला. थैंक यू. सच में. चलिए जान लेते हैं हमारे गुरुजनों से. अच्छा, बहुत अच्छा डूब के गाया आपने. बहुत ही इमोशनल गाना था, क्योंकि माँ के बारे में बात कर रहे हैं, माँ के चरणों में माँ से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो सब्जेक्ट ही बहुत कमाल का है. बहुत अच्छा गाया. गॉड ब्लेस यू. जब दिल टूटने से लेके जिस्मानी चोट लगती तो माँ ही याद आती है. तो माँ बहुत बड़ा आसरा है, और इतना डूब के आपने गाया, हर शख्स को अपनी माँ याद आ गई. भजन हो, कव्वाली हो, प्रार्थना हो या गुरबानी, जो सुर मन को शीतल करे बस उसी को सच्चा जानी. यही है इस मंच की पहचान. इस मंच का जो मकसद है वो यही है कि सुर के ज़रिए हम आपकी ज़िंदगी में थोड़े क्षण खुशहाली के ला सकें. हमारे आज के सारे कॉन्टेस्टेंट्स ने ऑलरेडी अपने अपने गाने पेश किए हैं, उनको हमारे गुरुजनों ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी, सलाह दी. तो अब मैं बुलाना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर इस मंच पर, ताकि मैं अनाउंस करूँ कि वो दो सर्वश्रेष्ठ सिंगर्स कौन हैं जो पहुँच जाएंगे बिल्कुल सुरक्षित सुरक्षा सेतु पर, और वो कौन हैं जिनको एक बार फिर मौका मिलेगा अपने गाने आपके सामने पेश करने का. तो सारे कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर मैं आमंत्रित करती हूँ. मोहे रंगदे के बुधवार की शाम का निर्णय मेरे हाथ में है. शुरुआत करते हैं रवि और धनंजय के साथ. चलिए, आपकी जो बेताबी है वो मैं कम कर देती हूँ और बता देती हूँ कि आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है कल एक बार फिर अपने अपने गाने पेश करने का. क्योंकि आप असुरक्षित हैं, पर एक हिसाब से इस मंच पे कोई भी असुरक्षित नहीं है, क्योंकि संगीत ही आपकी जिंदगी है और वो ही पेश करने का एक और मौका आपको मिल रहा है ना. बढ़ते हैं रणदीप और जया की तरफ. रणदीप और जया में एक कोई सुरक्षित हैं, सुरक्षा सेतु पर पहुंच जाएंगे, और एक कोई असुरक्षित हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि वो प्रसाद आपको बिल्कुल इतना मिला है कि आप पहुँच गए हैं सुरक्षा सेतु पर आज. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. आप अगले सप्ताह के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं. तो बढ़ते हैं अब जो रह गए हैं तीन सिंगर्स उनकी तरफ, नानू, रक्तिमा और अदिति. तीनों सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अभी इसी वक्त मैं बता दूं कि नानू, आप असुरक्षित हैं. और रक्तिमा और अदिति में मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि सेफ कौन लगता है, अदिति या रक्तिमा? अदिति, बिल्कुल सही जवाब. रक्तिमा, आपका गाना हम फिर एक बार कल सुनेंगे, है ना. और अदिति, आप पहुंच गई हैं सुरक्षा सेतु पर. आप दूसरी ऐसी कंटेस्टेंट हैं सोनिया के अलावा जिनको ये मौका मिला है दो बार सुरक्षा सेतु पर पहुंचने का. क्या कहेंगी आप? मुझे जो पिछले एपिसोड में जब मैंने भजन गाया था, इसी को बोलूँगी ये गुरु की कृपा है. दूसरा, जो हंसराज हंस जी ने और जगजीत जी ने बोला कि हम आपसे यही सुनना चाहते, तो फिर आई वॉन्ट टू मेंटेन इट. क्या बात है. आई एम श्योर यू विल. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू. एंड वी विल हियर यू विद जसपिंदर जी टुमारो. वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और रक्तिमा, आप मायूस तो नहीं हुई? नहीं, ठीक है, लेकिन पता नहीं मैं कितना अच्छा और गा पाऊँगी, क्योंकि मेरे गले की हालत बहुत ख़राब है. तो मैं यही चाहूँगी कि मैं यहीं से विदा ले लूँ. अगर हो सके तो मुझे यहीं से विदा कर दें, क्योंकि सच की मेरे गले की हालत बहुत ख़राब है. आपको रिलीज़ करना हमारे हाथ में नहीं, आपको कैद करना हमारे हाथ में.
कल तक देखो, शायद अच्छा हो जाए। रेस्ट करो, आ जाके सो जाओ, नींद पूरी लो। I'll try. तो सभी कंटेस्टेंट्स को एक बार फिर बधाई, बहुत अच्छे गाने पेश करने के लिए। और कल इनमें से 5 कंटेस्टेंट्स कल अपने गाने पेश करेंगे, और हमारे जो 2 कंटेस्टेंट्स सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए हैं और जो पहुंच गए हैं सुरक्षा सेतु पर, रणदीप और अदिति, हम आपको दोबारा मिलेंगे कल। जसविंदर नरूला जी आने वाली हैं, उनके साथ आप गायन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, है ना? हमारा सौभाग्य जी, बिल्कुल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ ये संध्या, ये जो सुरों की होली है, वो आज के लिए बस ख़त्म। कल दौड़ धूप, परेशानियों भरा, आपका काम भरा दिन जब होगा और दिन का अंत होगा, तब हम दोबारा आपके सामने आएंगे मोहे रंगदे के साथ, आपकी ज़िंदगी में थोड़े से खुशहाली के पल लाएंगे। तब तक आप थोड़ा सा सोचिए कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं। बस इसी थॉट के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ। Please have a very, very good night. सपने देखिए, तभी वो पूरे होंगे. We'll be back tomorrow with Mohe Rangde. सुख और शांति, अमन जो है वो इसी चीज में है, तो मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान ही रंग जाने वाला है। संस्कार नहीं भूलते, वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने अपने दादा भाई की बात नहीं मानी, काश वो आज होते और मुझे खुश देखते तो उनको कितनी खुशी होती। आई एम सो सॉरी।